दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है लीवर। लीवर आपको हेल्दी रखने के लिए 24 आवर्स एक्टिवली काम करता है। बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट फंक्शनिंग को मैनेज करता है उनका लीवर, और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आप जब खाना खाते हो, खाने के साथ बहुत सारे हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है। आउटसाइड पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है, और ये सारे टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ को आपके बॉडी से बाहर निकल देना इज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। और ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस मोस्टली मैनेज होता है आपके लीवर में। बट दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा बाहरी पॉल्यूशन एंड रॉन्ग फूड चॉइस की वजह से बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स एंटर कर जाते हैं, और इतनी सारी टॉक्सिन्स आपके लीवर भी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, बिकॉज लीवर की कैपेसिटी होती है, उससे आगे लीवर काम नहीं कर पाता। और जब ऐसे सिचुएशन होता है, तो फिर ये सारी इम्प्योरिटीज, ये सारे टॉक्सिन्स आपके लीवर के ऊपर एंड बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। सो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब एक प्रायोरिटी बन जाती है कि आप बाहर से कोई रेमेडी करके अपने लीवर को क्लीन करो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे 3 रेमेडीज जो इजीली आपके लीवर को भी डिटॉक्स कर सकता है, लीवर की फंक्शनिंग को बढ़ा सकता है, उसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है। तो फिर इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और इस रेमेडीज को जानिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच शुभर्णा, और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लीव विद शुभर्णा। चलिए अब देख लेते हैं आज की रेमेडीज क्या क्या है। आपकी पहली रेमेडी है जिंजर ग्रीन टी। आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जिंजर एंड ग्रीन टी से बना हुआ है। ये बनाना बहुत ही इजी है। बेसिकली आपको 1 कप पानी बॉयल होने के लिए लेना है। जब पानी बॉयल होने लग जाए, उसमें आप 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट मिला दीजिए। फिर पानी को 3 से 4 मिनट तक बॉयल करके उसमें 1 टीस्पून ग्रीन टी मिलाकर गैस को बंद करके पानी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, इसको छानकर इसमें लेमन जूस मिलाकर आप पी जाइए। ये रेमेडी आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बट एक बात की याद रखना दोस्तों, ये कभी भी आपको खाली पेट नहीं करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद करना है। ये रेमेडी आपके लीवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ लीवर में से एंजाइम के सेक्रेशन को भी बढ़ाता है। दिस रेमेडी हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जो आपके लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और लीवर में इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मेन रीजन होता है हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये रेमेडी आपके हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, एंड मोर ओवर ये आपके लीवर के कैंसर के चांसेस को भी कम कर देता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की दूसरी रेमेडी है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विद हनी इन ल्यूकवार्म वाटर। ऐसे भी आपके लीवर के टॉक्सिंस को क्लीन करने के साथ साथ लीवर में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिक एसीवी के कैटेचिन, एपिकैटेचिन, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ लीवर के फंक्शनिंग को ठीक करने में मदद करता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए एसीवी एक अच्छी रेमेडी ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है। हनी में भी हमें मिलते हैं बहुत सारे हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके लीवर में SGPT एंड SGOT एंजाइम के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, और ये डैमेज लीवर सेल्स को भी रिपेयर होने में मदद करता है। ये रेमेडी आपको सुबह खाली पेट लेनी है। सुबह 1 कप ल्यूकवार्म पानी में 1/2 टीस्पून ऑर्गेनिक ACV के साथ 1/2 टीस्पून हनी मिलाकर आप लोग खाली पेट पी जाइए। ये रेमेडी आप स्टार्ट करोगे तो 2 हफ्ते तक रोज कीजिए, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लेकर फिर से स्टार्ट कीजिए। आपकी थर्ड रेमेडी है बीट रूट जूस। आप हफ्ते में 2 से 3 बार एक होल बीट रूट का जूस मिंट लीफ के साथ अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। बेसिकली ये आपके ब्लड एंड लीवर के सारे इम्प्योरिटीज को बॉडी से बाहर निकाल देता है, आपके लीवर को क्लीन करने में बहुत अच्छे से मदद करता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये आपके फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दोस्तों, आपके लीवर के हेल्थ के ऊपर आपकी ओवरऑल वेलबींग कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ानी है, या फिर स्किन के ग्लो बढ़ानी है, फॉर एवरीथिंग यू नीड ए कम्प्लीटली क्लीन लीवर। एक बात का याद रखना दोस्तों, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो 90% चांस यही है कि आपको फैटी लीवर का इशू है। तो अगर आप पेट के फैट को क्लीन करना चाहते हो, तो पहले अपने लीवर को क्लीन कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हो। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हेल्दी लिविंग एवरीवन।